गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई असंतृप्त यौगिक है, संतृप्त मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जो ये हमने डाले हैं क्या है, कैटालिस्ट, जैसे निकल है, प्लेडियम है, इनकी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो असंतृप्त यौगिक है, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेते हैं, सिंगल हाइड्रोकार्बन की चेन बना लेते हैं, संतृप्त यौगिक बना लेते हैं। देखो, प्लेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मीन्स जो कैटालिस्ट, मैंने इंग्लिश में बोला, तो प्लेडियम और निकल जैसे उत्प्रेरक, ये हमने लिए ना निकल Ni और Pd मीन्स प्लेडियम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जोड़कर, इनमें हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं, संतृप्त मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड। तो देखो, जैसे ये था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कोई आर ग्रुप, आर की जगह पे जैसे मान लो हम CH3 भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, इस तरह से हमारी मर्जी है, ठीक है। तो ये वाला प्लस H2 क्या, हमने हाइड्रोजन जोड़ा किसकी प्रेजेंस में, निकल और प्लेडियम की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, चार अबंध बनाता है, तो दो ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये बॉन्ड हटेगा इनके बीच में से। जब एक बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो हमने ये बॉन्ड हटा दिया तो क्या बचा, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, ये R है, ये R है, ऐसे ये भी R है, ये भी R है। अब इस कार्बन के भी तीन बॉन्ड है, 1, 2, 3, ऐसे इस कार्बन के भी कितने हैं, 3, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, चार बॉन्ड हो गए, तो ये हो गए ना चार बॉन्ड। तो निकल और प्लेटिनम, जो आप बोलते हैं ना वनस्पति घी से तेल बनाते हैं, ठीक है, जैसे जो वनस्पति घी होता है वो इसी तरह की रासायनिक अभिक्रिया में से बनाया जाता है। तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग सामान्यतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो वनस्पति तेल है उसमें क्या किया जाता है, निकल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह पे दूसरे का, तो वैसे तो अगर हाइड्रोकार्बन की चेन देखें तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, लेकिन जो ये अगर इनके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या करते हैं, क्लोरीन है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, क्लोरीन क्या करती है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। देखो सूर्य के, देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मीन्स जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं अति तीव्र अभिक्रिया में, क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन हो जाता है, तो क्लोरीन क्या करती है, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाती है। जैसे ये रिएक्शन है CH4+Cl2, तो CH3Cl किस तरह से होगा, जैसे हमने इस तरह से लिख लिया, हाइड्रोजन CH4 को हमने अलग अलग लिख लिया, चार हाइड्रोजन है ना, प्लस Cl को भी हमने, क्लोरीन को इस तरह से लिख लिया, तो यहां से क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगी और यहां पे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3, तीन हाइड्रोजन है तो CH3 और Cl और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्लस HCl, ठीक है। इस तरह से ये अभिक्रिया कौन सी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। अब हम कुछ कार्बन यौगिक जैसे एथेनॉल है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो C2, मीन्स दो कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5, तो C2H5 और OH, तो ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। जो अल्कोहल होता है ना, मतलब जो शराब होती है, वो इथेनॉल ही होता है, लेकिन अगर ये सांद्र फॉर्म में, मतलब तनु फॉर्म में मिलता है, तनु का मतलब उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, अगर प्योर अल्कोहल ले लिया जाए तो आदमी को बहुत नुकसान पहुंचती है, इवन यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो एथेनॉल कक्ष ताप पर, तो एथेनॉल आपने अल्कोहल सबने देखा हो, इसका मतलब वो द्रव अवस्था में है, तो एथेनॉल कक्ष ताप पर, कक्ष ताप का मतलब जो मौसम है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है टिंचर आयोडीन में किया जाता है, कफ सिरप होती है, जैसे हम खांसी की दवाई लेते हैं, कफ सिरप लेते हैं, तो उनमें अल्कोहल की मात्रा मिलती है, तो कफ सिरप में, टॉनिक में, ठीक है, आदि औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो एथेनॉल की अभिक्रिया, सबसे पहले है सोडियम के साथ अभिक्रिया। जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी, तो अल्कोहल की सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, मीन्स सबसे पहले हमने लिया अल्कोहल, तो CH3CH2OH प्लस सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो हाइड्रोजन, ये अल्कोहल क्या करेगा, क्योंकि CH3CH2 ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा,
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और सोडियम के ऊपर भी क्या चार्ज होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इसका मतलब सोडियम यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक है, तो हमने दो मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि एच पॉजिटिव अकेला स्टेबल नहीं होता, तो हाइड्रोजन गैस को हमें तो CH3CH2 सोडियम इसके साथ जुड़ गया Na, और यहां से एक हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल लिए तो हमने हाइड्रोजन गैस फॉर्म में निकल गया। दूसरा ये है कि जब हम सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और एथीन बन जाता है। तो देखो CH3CH2OH गर्म सांद्र के साथ क्या, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 तापमान पर एथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है। एक बार ये अभिक्रिया देख लो कैसे हुई, जैसे ये है एथेनॉल लेते हैं हमने, अलग अलग लिख लेती हूँ, जैसे इस तरह से लिख लिया CH3, ठीक है, CH2 और OH सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो H2SO4 होता है, तो इस तरह से लिख लिया मैंने HSO4, तो H2SO4 ही है, तो ये क्या होगा यहां से, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ जुड़ जाएंगे, इसके साथ जुड़ गए तो अब क्या बन जाएगा, जैसे ये तो सेम रहेगा, ठीक है, यहां पे H अब ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन, तो अब ऑक्सीजन ने देखो ऑक्सीजन वैसे तो दो बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड, तो इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव चार्ज, और ये किस फॉर्म में निकल गया प्लस HSO4, किस फॉर्म में निकल गया प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये क्या करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड देके निकल जाएगा, तो क्या बचा अब CH2 बचा ना यहाँ पे CH2, और इधर डबल बॉन्ड आ गया CH2, और ये किस फॉर्म में निकल गया H2O फॉर्म में, तो क्या बन गया एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, देखो यही बना हुआ है CH3CH2OH गर्म करने पर क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, ठीक है।